इसके बाद है रनवे एनालिसिस एंड डिजाइन। रनवे जो है उसकी ओरिएंटेशन के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इसकी ओरिएंटेशन डिसाइड होती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, ठीक है। इसकी जो ओरिएंटेशन होगी विंड के हिसाब से होगी, ठीक है। सबसे पहले आएगा हेड विंड्स, इसमें सबसे पहली चीज आती है हेड विंड्स, ठीक है। हेड विंड्स क्या है? द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ, उसे बोलेंगे हेड विंड। हेड विंड्स क्यों होंगी? और मतलब जो लैंडिंग और टेक ऑफ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो विंड्स होंगी उसको हम हेड विंड्स बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब इनका यूज क्या होता है, इनकी हेल्प से, हेड विंड्स की हेल्प से हमें ग्रेटर लिफ्ट मिलती है जो कि टेक ऑफ के टाइम पे यूजफुल होगी, ठीक है। और शॉर्ट लेंथ ऑफ रनवे बनाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब लैंडिंग करी जाएगी तो बहुत ज्यादा उसमें हमें जो है मतलब अगर जब जो एयरक्राफ्ट है उसको मूव करना होगा, ठीक है। जैसे ये चलेगा चल चल के, फिर उसके बाद इसने टेक ऑफ भी करना है, फिर लैंडिंग भी करनी है, तो इसको कुछ अपोज करने के लिए विंड्स होंगी ना, तो वो मतलब उसकी वजह से हमें शॉर्ट लेंथ ऑफ रनवे बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो जल्दी टेक ऑफ भी कर पाएगा, जल्दी उसकी लैंडिंग भी हो जाएगी, मतलब कम डिस्टेंस में ही लैंडिंग हो जाएगी, तो शॉर्ट लेंथ ऑफ रनवे हम बना पाएंगे, ठीक है। एक तो हेडविंड्स का ये यूज हो गया। उसके बाद आती है क्रॉस विंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आती है क्रॉस विंड्स जो कि होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ विंड, ठीक है। ये होता है वी साइन थीटा। देखो ये है ना, यहाँ से ये विंड्स जो है इसका ये एक कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा, एक हो जाएगा वी साइन थीटा। तो ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे क्रॉस विंड्स। अब इसकी परमिसिबल लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट होगी 15 km/h स्मॉल एयरक्राफ्ट्स के लिए और 25 km/h स्मॉल एयरक्राफ्ट में अगर मिक्स ट्रैफिक है उसके लिए, और अगर 35 km/h फॉर बिग एयरक्राफ्ट्स, बड़े एयरक्राफ्ट्स के लिए 35 km/h। कई जगह पे आपको बड़े एयरक्राफ्ट्स के लिए 25 km/h भी दिखेगा, उसका भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में 35 दिख जाता तो 35 लगा देना, अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो 25 आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है विंड कवरेज। विंड कवरेज क्या है? परसेंटेज ऑफ टाइम इन अ ईयर द नॉर्मल कॉम्पोनेंट रिमेन्स विद इन द परमिसेबल लिमिट, उसे कहेंगे विंड कवरेज। और इसका यूज करा जाता है, इसको यूज करके हम जो है एयरक्राफ्ट का एयरपोर्ट वगैरह जो है उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर विंड डाटा जो है वो कैसे मतलब प्रेजेंट करा जाता है? विंड डाटा हमें डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, जो है विंड की डायरेक्शन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी हो जाएगी वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ड्यूरेशन हो जाएगी टाइम पीरियड, है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो होगी विंड होगी, ठीक है, अलग अलग स्पीड से आएगी। और डायरेक्शन हमें पता है कि अलग अलग डायरेक्शन से विंड आ सकती है, ठीक है। तो विंड का पूरा एक डाटा प्रिपेयर करा जाता है, और कैसे करा जाता है? विंड रोज डायग्राम की हेल्प से प्रिपेयर करा जाता है। अब ये रोज की तरह थोड़ा दिखती है डायग्राम्स, तो विंड रोज इसको बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक हमने ये देखो इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सपोज ये मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हमारे पास है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। अब इसको मैं फिर से डिवाइड करती हूँ, ठीक है। अब ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, है ना, इस तरीके से ये साउथ साउथ वेस्ट आ गया, ठीक है, इस तरीके से ये होगा। अब इसको मैं एक और बार डिवाइड कर दूं, अगर ये देखो इस तरीके से इसको भी डिवाइड कर दिया और क्या रह गया, ये रह गया, ठीक है। मतलब ये जो है अगर हम नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ ध्यान दें, ठीक है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और 4, मतलब सबको चार जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स है इनको हमने चार पार्ट्स में कर दिया है, मतलब 16 पार्ट्स में ये हमारे पास एक सर्कुलर डायग्राम जो है 16 पार्ट्स में आ गए। और ठीक है, तो इसमें विंड जो वेलोसिटी है उसका डाटा दिया जाएगा पूरा, ठीक है। और ये 360 डिग्री इंटू 16 पार्ट्स हमने डिवाइड करा तो 22.5 डिग्री एंगल का एक जो है एक इसमें ब्लॉक आएगा, एक ये जो होगा ये वाला एक एंगल हो जाएगा, ये आ जाएगा पूरा 22.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा विंडरोज डायग्राम्स। अब जो है विंडरोज डायग्राम दो तरीके की हो सकती है,
ये टाइप टू है, ठीक है। टाइप वन होगी डायरेक्शन और ड्यूरेशन बताने वाली, जो विंड की डायरेक्शन और ड्यूरेशन बताएंगी, और टाइप टू में डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी पता चलेगी, ठीक है, विंड की। फिर उसके बाद आता है काम पीरियड। काम पीरियड क्या है? व्हेन द विंड इंटेंसिटी इज लेस देन 6.4 KMPH। अगर विंड इंटेंसिटी 6.4 KMPH से कम है तो उसे कहेंगे काम पीरियड। बेसिक रनवे लेंथ, बेसिक रनवे लेंथ जो होगी, ठीक है, ये डिपेंड किस पे करेगी? सबसे पहले तो ये चीज आती है कि ये डिपेंड करती है नॉर्मल लैंडिंग पे, नॉर्मल टेक ऑफ पे और इंजन फेलियर केसेस पे, ठीक है। ये तीन चीजों पे बेसिक रनवे की जो लेंथ होगी वो डिपेंड करेगी, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल लैंडिंग कौन सी होगी? नॉर्मल लैंडिंग क्या होगी? 60% डिस्टेंस जो है, लैंडिंग डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है, जो प्लेन है उसको रुकना चाहिए, ठीक है, स्टॉप करना चाहिए, उसके बाद रुक जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये देखो मैंने ड्रॉ करा है कि ये जब लैंडिंग हो रही है उस टाइम पे एयरक्राफ्ट जो है वो 60% डिस्टेंस लैंडिंग का चलने के बाद उसको रुकना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एक होगा, और शुरुआत में जो डिस्टेंस वो कवर होता है ना, जो जब वो लैंडिंग करनी होती है उसने, तो शुरुआत में जो रनवे पे डिस्टेंस आता है उसको हम थ्रेशोल्ड बोल देते हैं, ठीक है। जो शुरुआत का डिस्टेंस लैंडिंग में यूज होता है। फिर होता है नॉर्मल टेक ऑफ। नॉर्मल टेक ऑफ में टेक ऑफ के टाइम पे लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस एक होगा, ठीक है, यहां से लिफ्ट करेगा एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब उसके बाद आता है 115% ऑफ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और टोटल टेक ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? जो 10.5 मीटर जो है वो एयरक्राफ्ट हवा में पहुंच चुका है, और लैंडिंग जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने वाला था वहां से जो डिस्टेंस है पूरा 10.5 मीटर एयर में है, वो वहां तक का जो डिस्टेंस है टोटल उसको कहेंगे टेक ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ये टोटल टेक ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा। अब एक होता है इंजन फेलियर केस, ठीक है। इंजन फेलियर में क्या होगा कि लैंडिंग टेक ऑफ करने वाली है, जो एयरप्लेन है वो टेक ऑफ करने वाला है, इतने में रियलाइज हुआ कि जो पायलट है उसे पता चलता है कि कोई इंजन है उसमें कुछ फेलियर है, या कुछ इस तरीके से पता चलता है। तो मतलब कि टेक ऑफ करने ही नहीं मतलब दिया जाता है एयरप्लेन को, और उसको और ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब रनवे जो होगा उसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें स्टॉप वे करके डिस्टेंस होगा थोड़ा और, या फिर और थोड़ा उससे भी ज्यादा क्लियर वे करके डिस्टेंस होगा, ठीक है, और ज्यादा डिस्टेंस रखा जाएगा। तो ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं रनवे की लेंथ को, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इंजन फेलियर केस में भी मैं बता दूं कि इंजन फेलियर केस जो है उसमें रिक्वायरमेंट होती है, एक तो क्लियर वे जितना डिस्टेंस होगा वो भी चाहिए होगा, स्टॉप वे जो है वो भी, उन दोनों में से कोई एक भी यूज करा जा सकता है, या फिर दोनों जो है दोनों ही कई बार चाहिए होंगे, ठीक है। तो इंजन फेलियर केस थोड़ा आपने समझ लिया, ठीक है, ये सब चीजों से समझ क्या आता है कि रनवे की लेंथ ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, इनकी वजह से हमें लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, और कुछ एजम्पशंस हैं। अब इसकी अगर हमें लेंथ जो है उसमें करेक्ट लेंथ जो है उसको रखने के लिए कुछ एजम्पशंस हमें देखनी पड़ेंगी, ये सारी एजम्पशंस हैं। और ये अगर एजम्पशन सही नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हमें कुछ करेक्शंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि पहली एजम्पशन है नो विंड इज ब्लोइंग, ठीक है, सबसे पहले हमने एज्यूम करना है कि कोई भी विंड बिल्कुल ब्लो नहीं कर रही है, नो विंड इज ब्लोइंग। दूसरा है कि एयरक्राफ्ट इज लोडेड टू इट्स फुल कैपेसिटी, ठीक है। फिर है एयरपोर्ट एट ऑल्टीट्यूड एट सी लेवल, सी लेवल पे होगा ऑल्टीट्यूड, ठीक है। रनवे एलिवेटेड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लेवल्ड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, रनवे जो है वो पूरी तरह से लेवल्ड है, उसमें जीरो इफेक्टिव ग्रेडियंट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 15 डिग्री सेल्सियस माना गया है, ठीक है। ये सारी एजम्पशंस है। अगर जो एयरपोर्ट है वो इन्हीं सब कंडीशंस में है, तो हमने जो लेंथ ली होगी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल हमने सही लेनी है, ली हुई है। मतलब अगर ये सब में से कुछ भी थोड़ा सा चेंजेस आते हैं तो हमें करेक्शन करने की जरूरत होती है, वो हम करेक्शन अब हम देखेंगे। इसके बाद है करेक्शन अप्लाइड टू बेसिक रनवे लेंथ। बेसिक रनवे लेंथ पे
क्या क्या करेक्शंस अप्लाई करनी है हमें. सबसे पहली करेक्शन है करेक्शन फॉर एलिवेशन. बेसिक रनवे लेंथ इज इंक्रीज्ड 7% पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन अबव मीन सी लेवल. मीन सी लेवल हमने एज्यूम करा था, अब अगर ये मीन सी लेवल पे नहीं है, 300 मीटर राइज कर जाता है जो रनवे है कि उसकी एलिवेशन 300 मीटर कहीं और हम ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे 300 मीटर मीन सी लेवल से ऊपर है, तो 7% हम रनवे लेंथ जो होंगी वो इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद है सेकंड करेक्शन फॉर टेम्परेचर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट रिक्वायर्ड ऑल्टीट्यूड, इसको कैलकुलेट करना हमने. स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हमारा एल्टीट्यूड हमें दिया गया होगा उस पे हम कैलकुलेट करेंगे. हमें पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री है, तो हम करेंगे 15 डिग्री माइनस 6.5 डिग्री अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय आरएल, जो भी हमारे पास आरएल दिया होगा. अगर 300 मीटर का राइज हुआ है मीन सी लेवल से तो 300 आरएल हो जाएगा, 200 का हुआ होगा तो 200 हो जाएगा, उस हिसाब से न्यूमेरिकल के हिसाब से ये होगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर. उस जगह का स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने निकाल लिया 15 डिग्री माइनस 6.5 डिग्री अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय आरएल जो होगा. ठीक है, ये हमने निकाला है स्टैंडर्ड टेम्परेचर. ठीक है, फिर एआरटी इज द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर. ये है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर. ठीक है, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर आएगा टेम्परेचर वेयर एयरपोर्ट इज लोकेटेड. अब जहां पे लोकेट करा गया है वहां का जो टेम्परेचर होगा उसको हम एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर बोलेंगे. और ये डिफाइंड है फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. ईयर के जो हॉटेस्ट मंथ होगा, जो सबसे हॉटेस्ट होगा उसके लिए ये डिफाइंड है. तो ये एआरटी हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, हो जाएगा TA प्लस TM माइनस TA अपॉन 3. अब ये TA क्या है, एवरेज डेली टेम्परेचर, जो डेली टेम्परेचर होगा उसका एवरेज. और TM क्या है, मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर. मैक्सिमम डेली टेम्परेचर जो होगा हमने हर एक डे का निकाला होगा, ठीक है, उसका पूरा मंथली मीन निकाल देना है. ठीक है, डिवाइड बाय 30 करके जितने भी आएगी हमारे पास मैक्सिमम डेली टेम्परेचर्स जो होंगे उसको डिवाइड बाय 30 करके उसका मीन निकाल लेना है, मंथली मीन. और ये हमें मिल जाएगा एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर. ठीक है, अब बेसिक रनवे लेंथ इंक्रीज करी जाएगी 1% पर 1 डिग्री राइज एट एआरटी. एआरटी जो होगा अबव स्टैंडर्ड जो होगा, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर हमारे पास सपोज ये आ गया है 16 डिग्री, ठीक है, और एआरटी जो है वो हमारे पास आ रहा है 17 डिग्री, तो ये 1% पर 1 डिग्री राइज एट एआरटी अबव स्टैंडर्ड, मतलब 1 डिग्री राइज हुआ ना तो 1% हम रनवे लेंथ इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, इस हिसाब से आपको समझ आना चाहिए. अब ये न्यूमेरिकल करेंगे तो और बेटर आपको चीजें समझ आएंगी. अब हमें एक चीज याद रखनी है, ये एलिवेशन करेक्शन और टेम्परेचर करेक्शन किसने दिए, ICAO ने दिए. ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई है. ठीक है, तो उन्होंने अपना एक चेक भी दिया है ICAO ने, करेक्शन फॉर टेम्परेचर प्लस एलिवेशन, दोनों का करेक्शन जो है वो दोनों का करेक्शन नॉट ग्रेटर देन 35% ऑफ द बेसिक रनवे लेंथ. अगर रनवे लेंथ कुछ दी हुई है, सपोज एक्स दी हुई है, तो एक्स से ये नॉट ग्रेटर देन 35% नहीं होने चाहिए, 35% ग्रेटर नहीं होने चाहिए, प्लस 35x इतने तक हो सकते हैं, इससे ज्यादा के नहीं होने चाहिए, 0.35. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 0.35x से ज्यादा और इंक्रीज नहीं करना है इसको. नॉट ग्रेटर देन 35% ऑफ द बेसिक रनवे लेंथ, ये करेक्शन लगा के बाद हमने इंक्रीज करी है ना लेंथ, तो हमने 35% से ज्यादा जो लेंथ है उसकी ओरिजिनल लेंथ की 35% से ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी है. ठीक है, ये हमारी एलिवेशन और टेम्परेचर करेक्शन के लिए है. अब एक और करेक्शन है जो किसने दी है, हमें FAA ने दी है. ये करेक्शन हमें FAA ने, फेडरल एविएशन एजेंसी ने दी है. करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, 20% इंक्रीज पर 1 डिग्री ग्रेडियंट. अगर 1 डिग्री का ग्रेडियंट आ जाता है तो उसके लिए हमें 20% इंक्रीज कर देनी है रनवे की लेंथ को.
ठीक है, ये सब करेक्शंस का यूज करके हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। अब न्यूमेरिकल जो होगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है एलिवेशन और टेम्परेचर और ग्रेडियंट भी दिया हुआ, तो आपको तीनों ही करेक्शंस लगानी है। अगर दो दिए तो दोनों लगानी है, तीन दिए तो तीनों की तीनों लगा देनी है। ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिकल है, द लेंथ ऑफ रनवे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज 2000 मीटर, द एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट साइट इज 300 मीटर, रेफरेंस टेम्परेचर इज 33.05 डिग्री सेल्सियस, रनवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद एन इफेक्टिव ग्रेडियंट ऑफ 0.25%। ठीक है, करेक्टेड रनवे लेंथ निकालनी है। सबसे पहले हमने जो जो दिया हुआ हमें वो लिख देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे रनवे लेंथ जो है, रनवे लेंथ ऑफ रनवे, लेंथ ऑफ रनवे क्या दी हुई है हमें, ये दी हुई है हमारे पास 2000 मीटर। ठीक है, और एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट साइट दी हुई है, मतलब हमें एलिवेशन दी हुई है। एलिवेशन कितनी दी हुई है, ये हमें 300 मीटर दी हुई है। ठीक है, ऑफ द इफ द रेफरेंस टेम्परेचर, देखिए ये एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट साइट जो दी हुई है, ये एक तरह से RL हो गया, मतलब मीन सी लेवल से इतना रेज्ड है ये। ठीक है, 300 मीटर। ठीक है, ये आगे एलिवेशन, फिर रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर जो दिया हुआ, ये एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर दिया हुआ, ये हमारे पास डायरेक्टली इन्होंने इस क्वेश्चन में ART दे दिया हुआ। ठीक है, ये आ जाएगा 33.05 डिग्री सेल्सियस एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। फिर उसके बाद इफ द रनवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद एन इफेक्टिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट दिया हुआ है हमारे पास, इफेक्टिव ग्रेडियंट दिया हुआ है, इफेक्टिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 0.25%। ठीक है, करेक्टेड रनवे लेंथ निकालनी है, तो हमें सबसे पहली जो करेक्शन लगानी है, करेक्शन फॉर फॉर एलिवेशन, एलिवेशन के लिए करेक्शन लगाएंगे। तो हमें पता है यहाँ पे कि अगर हमारे पास 7% किसके लिए लगाते हैं, 7 पर 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर के राइज के लिए हम 7% की करेक्शन लगाती है, मतलब 7% जो है इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं हम जो एयरपोर्ट की लेंथ है। ठीक है, हमें दी हुई है 2000 मीटर की दी हुई है, तो मतलब एक 7% हम इंक्रीज करेंगे 300 मीटर के लिए। ठीक है, 300 मीटर के लिए 7% इंक्रीज करेंगे, 1 मीटर के लिए कितना करेंगे, 7/300%। ठीक है, इतना हमने इंक्रीज करना है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा करेक्शन फॉर एलिवेशन हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हमारे पास है पहले से जो है हमारी लेंथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने 7/3000, इतना परसेंट। ठीक है, परसेंट के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ये कोई वैल्यू है इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया इतना परसेंट। ठीक है, तो ये है हमारे पास, और कितना हमारे पास एलिवेशन है, हमें एलिवेशन जो गिवन है वो 300 मीटर की ही एलिवेशन दी हुई है, तो ये 300 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देती हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 300 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, ये जो है ये हो गया 2000 मल्टीप्लाइड बाय, फिर से मैं इसको ढंग से थोड़ा लिख देती हूँ, 300 × 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 300। ठीक है, ये 300 कैंसिल हो गया, ये वाला 100 के साथ ये दो जीरोस कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगा ये 140। ठीक है, 140 इसकी मीटर जो है हमें रेज करना है, तो हमारे पास करेक्टेड लेंथ जो है हमारे पास आ जाएगी 2000 + 140 मीटर, तो ये आ जाएगी 2140 मीटर हमारे पास करेक्टेड लेंथ। ठीक है, और सेकेंड है हमारे पास करेक्शन किस चीज की, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर जो है वो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर निकालते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर उस लोकेशन का, उस लोकेशन ऑफ लोकेशन, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन का हम निकालेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो निकालते हैं हम 15 °C - 6.5°/1000 मल्टीप्लाइड बाय RL ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, या RL ऑफ दैट प्लेस, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 °−6.5°/1000 मल्टीप्लाइड बाय 300, क्योंकि हमारे पास जो RL है वो 300 है, और इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 13.05
ठीक है, ये आएगा 13.05 डिग्री हमारे पास आ गया, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आ गया। और एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है 33.05 डिग्री सेल्सियस। अब करेक्शन जो है वो करेक्शन के लिए इसमें क्वेश्चन ये था हमारे पास कि 1 डिग्री राइज के लिए, 1 डिग्री जो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 1% इंक्रीज कर देनी है हमने रनवे लेंथ, मतलब इसका 1:1 का है, ठीक है, 1% इंक्रीज इंक्रीज करेगा अगर डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो 1% हमने रनवे लेंथ इंक्रीज कर देनी है। तो यहाँ पे कितना बड़ा है पहले तो हमें ये चेक करना है। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर जो है हमारे पास है 33.05 और स्टैंडर्ड था 13.05, तो अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे मतलब ये हमारे पास इंक्रीज आया है, इंक्रीज कितना आया है, इंक्रीज हमारे पास आया है 33.05 माइनस 13.05, ये हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आया है। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने करा तो आया है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास करेक्टेड रनवे लेंथ ये आ जाएगी, हमारे पास करेक्टेड लेंथ आ गई, हमारे पास कितनी आएगी, ये आ गया 2140 प्लस, अब करेक्शन लगाएंगे जब तो ये आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस है मतलब 1 डिग्री के लिए 1% का, तो 20 डिग्री के लिए 20% इंक्रीज कर देंगे, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 2140, ठीक है, ये हमारी करेक्टेड रनवे लेंथ हो जाएगी जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2568 मीटर, ठीक है। अगर हम ये देखें अब, ठीक है, अब हमें पता है कि 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 35% से ज्यादा नहीं इंक्रीज हो जानी चाहिए अब इस पॉइंट पे, ठीक है, तो हमने चेक करना है, चेक कैसे लगाना है, चेक लगाएंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 2568 हमारी जितनी आई है अभी तक की करेक्टेड लेंथ माइनस हमारी जो एक्चुअल लेंथ थी, ठीक है, रनवे लेंथ वो हमारे पास 2000 हमें दी हुई थी स्टैंडर्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, ये आ गया हमारा, तो ये कितनी परसेंट इंक्रीज हुआ है इससे हमें पता चल जाएगा, 2568 जो था इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना हमने इंक्रीज कर दिया इसको, ये ऑलमोस्ट ना 28 समथिंग ये परसेंट आएगा, ठीक है, मतलब ये 35 से जो है 35 से ये कम ही है एक तरह से, 25% 35 से कम ही है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं अब तक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है करेक्शन फॉर ग्रेडियंट के लिए, करेक्शन जब हमने लगानी है ग्रेडियंट के लिए जब हम करेक्शन लगाते हैं तो 20% इंक्रीज पर 1% ग्रेडियंट, ठीक है, 1% ग्रेडियंट के लिए हमें 20% इंक्रीज कर देना है, ठीक है, तो हमारे पास कितना ग्रेडियंट है, हमारे पास ग्रेडियंट दिया हुआ है 0.25% का ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास 1% ग्रेडियंट होता तो 20% इंक्रीज करते, तो अगर हमारे पास 0.25% है तो ये आ जाएगा 20 times 0.25%, ठीक है, ये परसेंट और ये डिवाइडेड बाय 100 भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है हमारी 2568 मीटर जो हमारी लेंथ आई है अब तक की लेंथ से, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 128.4, ठीक है, 128.4 हमारे पास मीटर इसकी करेक्टेड करेक्शन आ गई, ठीक है, ये हमारे पास है करेक्शन, ये हमारी है करेक्शन, तो करेक्टेड लेंथ क्या होगी, करेक्टेड लेंथ हमारे पास हो जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 2568 प्लस 128.4, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2700 मीटर। अब इस न्यूमेरिकल में हम इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालेंगे, ठीक है, अगर इस न्यूमेरिकल में जैसे इफेक्टिव ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो हमें इफेक्टिव ग्रेडियंट कैसे निकालना है वो निकालेंगे, और दूसरे इसके बाद वाले न्यूमेरिकल में अगर एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर नहीं दिया होता है
तो वो कैसे निकालना है वो हम जानेंगे नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो इसमें इफेक्टिव जो ग्रेडियंट है वो कैसे निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ टोटल लेंथ रनवे की दी हुई है 1000 मीटर, और एलिवेशन दी हुई है अलग अलग डिस्टेंस पे, 0 मीटर के डिस्टेंस पे अलग दी हुई है एलिवेशन, ठीक है। ये 0 मीटर है, सपोज ये 0 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, फिर उसके बाद 200 मीटर आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 400 मीटर हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 600 मीटर, फिर आ जाएगा 800 मीटर, ठीक है, फिर 1000, है ना, 1000 मीटर तक की इसकी रनवे की लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालना है, और इनकी एलिवेशन दी हुई है 0 मीटर के ऊपर एलिवेशन जो है वो 100 मीटर यहाँ पे एलिवेशन है, ठीक है, और जो 200 है यहाँ पे 99.2, ठीक है, यहाँ पे है ये 99.2, फिर उसके बाद यहाँ पे है 101, 101, फिर 108, 101.8, 101.8, ये आ जाएगा 101.4, फिर उसके बाद यहाँ पे है ये 101। मतलब ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से कुछ एलिवेशन दी हुई है, ठीक है, एलिवेशन इस तरीके से दी हुई है, ये इस तरीके से एक जो है रनवे है, ठीक है। तो हमें अगर इसका इफेक्टिव ग्रेडियंट निकालना हो, इफेक्टिव ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, ग्रेडियंट हो जाएगा हमारे पास, इफेक्टिव ग्रेडियंट होगा मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट पॉइंट ऑफ रनवे, रनवे डिवाइड करना है इसको टोटल लेंथ ऑफ रनवे से, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस आ जाएगा, मैक्सिमम जो हाईएस्ट वाला है ये आ जाएगा 1.1, 101.8 माइनस 99.2, ठीक है, ये वाला लोएस्ट हो गया, ये हाईएस्ट हो गया, और हमारे पास जो ये है लेंथ है वो 1000 मीटर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2. ये आ जाएगा 2.6, है ना, डिवाइडेड बाय 1000, मतलब कि 0.26 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 0.26% आ गया हमारे पास इफेक्टिव ग्रेडियंट। अब ये है फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर एट द प्रपोज्ड एयरपोर्ट साइट, द मंथली मीन ऑफ द एवरेज डेली टेम्परेचर इज 39 डिग्री सेल्सियस। मंथली मीन ऑफ द एवरेज डेली टेम्परेचर कितना है, टी इज इक्वल्स टू 39 डिग्री सेल्सियस। मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इज 48 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ इज 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 48 डिग्री सेल्सियस, मंथली मीन है इसके, ठीक है। तो ये आ गया 48 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेम मंथ ऑफ द ईयर। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, वो हो जाएगा हमारे पास टी ए एवरेज डेली टेम्परेचर प्लस टी एम मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली, ठीक है, अपॉन टी ए अपॉन 3, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 39 प्लस 48 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 39 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3, और ये प्लस है यहाँ पे 39 प्लस 3, 42 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ गया एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर।